अम्बेडकर नगर से सामने आ रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग कर बदमाशों ने फैलाई दहशत। फायरिंग में बाल बाल बचा युवक। गोली मारते बदमाशों का वीडियो सीसीटीवी में कैद। हंसवर थाना क्षेत्र के हंसवर बाजार की घटना। तो बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है आप देख सकते हैं। सरे बाजार गली में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई बदमाशों के द्वारा। अंबेडकर नगर की घटना तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से बदमाश हाथों में असलाह लिए ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए और फायरिंग कर ये बदमाश मौके से फरार हो गए। अंबेडकर नगर की बड़ी घटना। एक युवक बाइक से उतरता है, हाथों में असलाह लिए वो घर की ओर दौड़ता है, वहां फायरिंग करता है, फिर बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। वही लखनऊ से बड़ी खबर। राजधानी में बच्चा चोरों का गैंग सक्रिय। 2 महीने के मासूम को उठा ले गए चोर। रात में मां के साथ सो रहा था मासूम। पुलिस मासूम को तलाशने में जुटी। तो एक बार फिर चोर बच्चा चोर गैंग सक्रिय हो गया है। तो 2 माह के मासूम बच्चे को चोरी करके ले गए। अगली बड़ी खबर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज होगा मतदान। सपा और एनडीए के बीच होगा कांटे की टक्कर होगी। सोनभद्र में 31 जिला पंचायत सदस्य करेंगे अध्यक्ष पद के लिए वोट। अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों को मैट्रिक आंकड़ा 16 की जरूरत। सपा के पास 11 और एनडीए के पास 10 जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष पर आज मतदान होगा। सपा और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें कि सोनभद्र में 31 जिला पंचायत सदस्य करेंगे अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों को मैजिक आंकड़ा 16 की जरूरत है। अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर। मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ उमर गौतम ने याचिका दाखिल की। याचिका में मीडिया रिपोर्टिंग रोकने की मांग। मीडिया रिपोर्टिंग से जांच प्रभावित होने की आशंका। मीडिया रिपोर्टिंग को अभियुक्तों के अधिकारों का हनन बताया है। तो धर्मांतरण मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। अमर गौतम ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने साफ कहा है कि जांच प्रभावित होने की आशंका है, इसके चलते मीडिया रिपोर्टिंग रोक दी जाए। वहीं अगली बड़ी खबर। धर्मांतरण मामले में एक्शन मोड में एटीएस। लगातार आरोपियों को ले रही है रिमांड पर। 3 आरोपियों की 5 दिन की मिली रिमांड। एटीएस करेगी 3 से धर्मांतरण को लेकर पूछताछ। धर्मांतरण मामले में एक्शन मोड में एटीएस। लगातार 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 लोगों से 7 दिन के रिमांड से ज्यादा दिन की पूछताछ जारी है। वहीं 3 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर अभी लिया गया है जिनसे पूछताछ किया जाएगा। बता दें इन लोगों को गुजरात एटीएस की मदद से एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ जारी है कि इनसे जुड़े अभी और कितने लोगों का खुलासा हो सकता है। बड़ी खबर। 20 फरवरी 2020 पान मसाला कर्मचारी की मौत पर प्रकाश। आरोपी पर लगी रासुका। हाई कोर्ट ने की खारिज। पुलिस ने आरोपी साजिद पर लगाई थी रासुका। लखनऊ के रहियागंज में दिन दहाड़े लूट के बाद हुई थी हत्या। तो मौत का प्रकरण कर्मचारी पान मसाला कर्मचारी की पर रासुका जो लगी हुई थी उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। मतदान आज 11 बजे से 3 बजे तक होगा मतदान। कलेक्ट्रेट ऑफिस में होगा मतदान। भाजपा और सपा आमने सामने। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का मतदान आज शुरू हो गया है। 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होना है, इसको लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में मतदान होगा। वहीं सपा और भाजपा आमने सामने है।
अगली बड़ी खबर। भाजपा और सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। भाजपा से सावित्री देवी और सपा से रीता यादव। 61 जिला पंचायत सदस्य दोनों प्रत्याशियों के भाग का होगा फैसला। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान आज। बड़ी खबर, सपा और भाजपा में सीधी टक्कर को देखने को मिल रही है। भाजपा से सावित्री देवी और सपा से रीता यादव है प्रत्याशी। 61 जिला सदस्य दोनों के बीच कांटे की टक्कर। हमीरपुर में दिलचस्प होगा चिंपा जिला पंचायत चुनाव का, जिला पंचायत का चुनाव। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कश्मकश तेज। जिला कलेक्ट्रेट में होगा चुनाव संपन्न। हमीरपुर में दिलचस्प होगा जिला पंचायत चुनाव। निषाद पार्टी और बीजेपी में होगी जबरदस्त घमासान। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कश्मकश तेज। अगली बड़ी खबर, सीएम योगी की भर्ती आयोगों के साथ मैराथन बैठक। मिशन रोजगार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भर्ती बोर्डों को 74,000 पदों पर प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता बरतने के लिए कहा गया है। तो सीएम योगी की भर्ती आयोग के साथ आज मैराथन बैठक है। मिशन रोजगार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 74,000 पदों पर जल्द भर्ती पूरी करने के दिए हैं निर्देश। भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं।